English Adda, the best institute of English of Bihar. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ और रूट्स वर्ड्स की चर्चा करेंगे जो आप वन टाइम में सीख जाएंगे और याद भी हो जाएगा आपको। और मेरा एडवाइस है कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठे ताकि मैं जो भी वर्ड्स बताते जाऊँ आप उसको नोट करते जाएं ताकि वो सदा सदा के लिए आपके हो जाए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं इंग्लिश अड्डा 991 चैनल और मैं हूँ नरोत्तम कुमार। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ रूट्स देख रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में मोनो को पूरा मोनो से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं रूट वर्ड्स वो मैंने आपको बताया और उससे जो भी वर्ड्स बनते हैं इंग्लिश में वो सारे बताए थे। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वो वीडियो भी देख लीजिए। चलिए इसमें कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप फर्स्ट वर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है लॉजी। ओके, यहाँ पर मैं लॉजी, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लगा हो लास्ट में तो उसका मतलब हो जाता है स्टडी करना। जैसे बायो, बायो मतलब लाइफ होता है और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जियो, जियो मतलब होता है अर्थ और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ अर्थ जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ रूट्स हैं जो देखिए मिसो, मिजो या फिर मिस है तो इसका मतलब इंग्लिश में कहीं ना कहीं हेट होगा। ओके, इसी तरह से किसी वर्ड में अगर फिले या फिल लगा है तो इसका मतलब लव होगा। किसी वर्ड में अगर मोनो लगा है तो वन होगा, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी वर्ड में अगर बाय लगा हुआ है तो उसका मतलब टू होगा और पॉली लगा हुआ है तो मेनी होगा। ठीक है, तो बाय और पॉली को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे, इसमें बस दो चार वर्ड से ही इससे देखेंगे। तो ये कुछ रूट्स थे, चलिए इससे कैसे वर्ड्स बनते हैं हम लोग उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एंथ्रोप, एक रूट है एंथ्रोप जिसका मतलब होता है मैन काइंड। मैन काइंड मतलब मानव जाति। ठीक है, अब मानव जाति को दो भागों में बांटा गया है, मैन और वुमेन में। ओके, दो होते हैं तो मैन एंड्री, एंड्री जिस वर्ड एंड्री से रिलेटेड जो वर्ड होगा उस वो कहीं ना कहीं मैन का मीनिंग देगा और गायनी से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो कहीं ना कहीं वुमेन का मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों को अगर मिला दे तो एंड्रोगाइनी, एंड्रोगाइनी का मतलब होता है वुमेन बिहेव लाइक मैन, मतलब कि कोई ऐसी औरत जो मैन की तरह बिहेव करे एंड्रोगाइनी होती है। ठीक है, अब इन दोनों की जो मैरिज होती है तो वो गैमी कहलाता है। ठीक है, गैमी का मतलब होता है मैरिज, रूट वर्ड है ये। और गायरी और सिनाइल मतलब होता है ओल्ड। ओके, जैसे गैरोंटोलॉजी कहते हैं तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड मतलब हो गया गायरी, गायरी मतलब ओल्ड, तो गैरोंटोलॉजी, लॉजी स्टडी होता है तो गैरोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ओल्ड एज। ओके, इसी तरह से सिनोफाइल का, सिनोफाइल का मतलब होता है फिल, तो हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं फिल का मतलब लव होता है और सिनो तो यहाँ पे देख रहे हैं सिनाइल और गैरी दोनों मतलब ओल्ड होता है, रूट है ये, तो सिनोफाइल मतलब क्या हो जाता है लव ऑफ ओल्ड पीपल या ओल्ड एज पीपल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिए रिवाइंड करके और नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ डिस्कस करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स लिया है, जैसे आप देखिए ऊपर में एंथ्रोप था तो एंथ्रोप का मतलब था आपको मैनकाइंड, तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या हो गया स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ओके, और इसी में लग जाता है अगर हम यहाँ पर मैं ऐड कर दें इसमें आई एस टी, आई एस और टी। ओके, अगर हम इसमें ऐड कर दें आई एस टी तो इसका मतलब हो जाता है डूअर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब कि वन हु स्टडी अबाउट मैनकाइंड। ओके, इसी तरह से मिस एंथ्रोप, मिस हम जानते हैं मिस मतलब हेट होता है और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, तो हेट ऑफ मैनकाइंड। ओके, हेट ऑफ मैनकाइंड, और इसमें भी अगर हम आई एस टी को लगा देंगे आई एस टी तो ये हो जाएगा हमारा हेटर ऑफ मैनकाइंड। ओके, इसी तरह से फिले, फिले तो हम जानते हैं फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप, एंथ्रोप मानव जाति, तो फिलेंथ्रोप मतलब मानव जाति से प्यार, अगर हम इसमें आई एस टी लगा देंगे तो मानव जाति से प्यार करने वाला। ओके, इसी तरह से मिजोगाइनी, मिजो मतलब हेट होता है और गायनी मतलब वुमेन, वन हु हेट वुमेन मिजोगाइनी। ओके, मिजोगाइनी मतलब हेट ऑफ वुमेन, और इसमें हम अगर आई एस टी जोड़ देते हैं इसमें तो ये हो जाता है मिजोगाइनिस्ट, तो इसका मतलब होता है हेटर ऑफ वुमेन। ओके, इसी तरह से मोनोगैमी, मोनो मतलब वन हम लोग जानते हैं और गैमी मतलब मैरिज, तो मोनोगैमी मतलब वन हु बिलीव इन वन मैरिज। ओके, या प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज मोनोगैमी कहलाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम आई एस टी जोड़ देंगे तो वन हु बिलीव इन वन मैरिज, जो एक शादी करता है वो हो जाएगा। बाईगैमी मतलब हो जाता है दो शादी। ठीक है, बाई मतलब टू और गैमी मतलब शादी मैरिज, तो बाईगैमी दो शादी, फिर आई एस टी लगा देंगे इसमें तो ये बन जाएगा हमारा, और इसमें हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा दो शादी करने वाला। ओके, पॉलीगैमी मतलब एक से दो से अधिक शादी, पॉलीगैमी।
मतलब कि अधिक शादियां करने वाला पॉलीगैमी कहलाता है। और पॉलीएंड्रस, पॉली मतलब मेनी होता है जानते हैं, और एंड्र मतलब मेल का रूट है, तो पॉलीएंड्रस मतलब एक से अधिक पति रखने में, एक से अधिक पति में विश्वास रखने वाला, पॉलीएंड्रस कहलाती है वो। ठीक है, इसी तरह से मिशोगैमी, मिशोगैमी मिशो मतलब हेट होता है और गैमी मतलब शादी, तो मिशोगैमी मतलब शादी से नफरत। ओके, तो ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ रूट वर्ड्स और देख लेते हैं। जैसे ईगो की बात करें तो ईगो मतलब होता है सेल्फ या आई। ओके, यानी कि खुद, खुद के बारे में अगर बात करते हैं तो वो ईगो कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से ईगोइस्ट अगर हम बात करते हैं तो ईगोइस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो खुद के बारे में थिंक करता रहे, सोचता रहे, है ना, थिंक अबाउट हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में सोचता रहे, दूसरे के बारे में ना सोचे, दुनिया में क्या हो रहा है उससे नहीं मतलब है, खुद से मतलब है, तो वो ईगोइस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वर्ड जो है हमारा ईगोटिस्ट। ओके, तो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में दोनों में अंतर होता है। ईगोटिस्ट हो गया टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि जो खुद के बारे में सोचता रहे, हमेशा बात करता रहे, हमेशा अपनी बात करना पसंद करे, वो ईगोटिस्ट कहलाता है। और जो अपने बारे में सोचना पसंद करे, ईगोइस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ईगोटिस्ट के और भी सारे वर्ड्स हैं, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ब्रैगर्ट कहिए, इसका मतलब भी होता है अपने बारे में बात करना, शो ऑफ करना, खास करके अपने धन दौलत का। पॉम्पस वही चीज हो जाता है, ऑस्टेंटियस भी वही चीज हो जाता है, तो ये सभी इगोटिस्ट हुए। ठीक है, नेक्स्ट है ईगो से हमारा ईगो सेंट्रिक। तो ईगो का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, और सेंट्रिक सेंटर से बना हुआ है, सेंटर मतलब केंद्र, तो ईगो सेंट्रिक मतलब हो जाता है वो व्यक्ति जिसको ये होता है अपने मन में कि आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो ये सोचता है कि मैं पूरे दुनिया के आकर्षण का केंद्र हूँ, मेरे बगैर दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो ईगो सेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप पहली बार आए हैं तो, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है तो लाइक के बटन को भी दबा दीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपने इस वीडियो को देखा पूरा। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ और रूट्स हैं जो हमें देखने हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अल्टर। अल्टर मतलब चेंज होता है या अदर होता है। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब टू चेंज, बदलाव लाना, अल्टरेशन कहलाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव तो समझते हैं, वैकल्पिक, सब्स्टिट्यूट। और अल्टरकेशन मतलब क्वेरल, नॉइजली, जोर जोर से क्वेरल करना, विवाद करना, तो उसको कहते हैं अल्टरकेशन। और अल्टरिस्ट, अल्टरिस्ट मतलब हो जाता है जो दूसरों के लिए उपकार करे। ठीक है, तो वन हु लिव्स फॉर अदर, जो दूसरों के लिए जिए। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप समझते हैं आपको क्या करना है। ओके, बाय।